गाइस वेलकम टू HS टेक जोन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो MIUI के आए हैं, चाहे MIUI 11 के हों चाहे MIUI 12 के हों। दोस्तों यहां पर मेरे एक यूजर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि लास्ट वन मंथ के दौरान जितने भी जो अपडेट्स आए हैं वो सभी की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए एक वीडियो के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ पर पूरी लास्ट डिवाइसों के अपडेट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों साथ में आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके पास कौन सा डिवाइस है और इसमें कौन सा जो MIUI इसमें है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं और मैं बताता हूँ आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले अपडेट की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। अगर बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो भाई यहाँ पर आज की न्यूज़ आई है जो MIUI 11.0.2.0 है वो एंड्रॉइड क्यू पर जो बेस्ड था वो रेडमी 9 के लिए इंडिया में फाइनली पब्लिक रोल आउट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर जो रेडमी नोट 9 के लिए जो MIUI 12 आया था 12.0.2.0 वो भी यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी डिवाइसेज के अपडेट के बारे में कि यहाँ पर आपको कौन कौन से अपडेट्स देखने को मिले हैं लास्ट वन मंथ के दौरान। अगर बात करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट की तो यहाँ पर जो Redmi 7 है जिनके पास उनके लिए जो MIUI 11.0.7.0 का अपडेट आया है ये स्टेबल अपडेट 223 MB का है। यहाँ पर केवल आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच और जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है केवल उसे ही इंक्रीज़ किया गया है। यहाँ पर ना आपको MIUI 12 मिला है ना ही यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिला है। फिलहाल ये थोड़ा बहुत रोल आउट हो रहा है, इसकी जो लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पर दे दी थी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार मैनुअली डाउनलोड करके। अगर बात करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट अपडेट की तो यहाँ पर जिनके पास है Redmi 8A Dual तो उनके लिए Android 10 का जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जो है यहाँ पर MIUI 11.0.1.0 जो Android Q पर बेस्ड है और ये स्टेबल रोम आई है 1.6 GB की। पर आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। इसके बाद में जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 यानी कि यहाँ पर जो आपको एंड्रॉइड 10 क्यू का स्टेबल अपडेट दे दिया गया है। फिलहाल ये यहाँ पर कुछ यूजर के लिए ही रोल आउट हुआ है, जैसे सभी यूजर के लिए अपडेट आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी आपको वेट करना पड़ेगा अराउंड 1 से 2 वीक का, उसके बाद में ये पब्लिक रोल आउट हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसकी डाउनलोड लिंक वगैरह वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी गई है पहले ही। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की तो भाई उससे पहले अपडेट आया था यहाँ पर Redmi Y3 के लिए जो आया था MIUI 11.0.10.0 का, तो एंड्रॉइड पाई पर ही वेट था। यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट नहीं मिला एंड्रॉइड 10 का और यहाँ पर जो स्टेबल रोम आई है 373 MB की और यहाँ पर आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच और जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी है केवल उसे ही इंक्रीज़ किया गया है। तो जो इसका जो डाउनलोड लिंक वगैरह है वो मेरे पास पहले आ चुका है, आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, ये फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पर OTA और फुल रोम दोनों ही हैं। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की तो भाई यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए जो MIUI 11.0.2.0 का स्टेबल अपडेट था वो अब 2 दिन पहले फुल्ली रोल आउट हो चुका है इंडिया में। दोस्तों अब आप इसे डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये आपको मिल ही गया होगा आपके सिस्टम में या फिर आपके डिवाइस की सेटिंग में जहाँ पर जो अपडेट्स वगैरह आते हैं। और दोस्तों ये जो अपडेट का नाम था MIUI 11.0.2.0 था, स्टेबल रोम थी 2 GB की है और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 मिल गया, साथ में जुलाई 2020 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच और जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी वगैरह है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर ठीक ठाक अपडेट है, यहाँ पर इतने कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। मेरे पास भी Redmi Note 7 Pro में मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, ये अगस्त की शुरुआत में ही अपडेट मिल गया था मुझे तो। और यहाँ पर जो इसकी डाउनलोड लिंक वगैरह वो सभी मेरे टेलीग्राम के चैनल पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की तो भाई उससे पहले अपडेट आया था यहाँ पर Redmi 6 Pro के लिए जो था MIUI 12.0.2.0। यहाँ पर दोस्तों ये एक ऐसा डिवाइस था जो थर्ड बैच में आता है लेकिन उसे MIUI 12 का अपडेट मिल गया, लेकिन भाई ये केवल कुछ यूजर को देखने को मिला है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ खास अपडेट नहीं आया बाकी सभी के लिए। यहाँ पर ये जो अपडेट था ये एंड्रॉइड पाई पर ही वेट था और ये स्टेबल रोम आई थी 644 MB की। इसके अलावा यहाँ पर जो MIUI 12 के आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल गए थे। अब दोस्तों ये जो अपडेट रोल आउट तो हुआ है लेकिन उसके बाद में इसे रोल बैक कर दिया गया यानी कि सस्पेंड हो गया है, अब ये किसी को फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। जैसे ये दोबारा रोल आउट होगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि भाई ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो डाउनलोड लिंक वगैरह मेरे पास है आप यहाँ पर डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं अगर आपका विश्वास ना हो तो। करते हैं दोस्तों उससे पहले अपडेट की तो भाई इससे पहले अपडेट आया था यहाँ पर Redmi 7A के लिए जो था यहाँ पर MIUI 11.0.2.0 का,
ये दोस्तों एंड्रॉयड क्यू पर ही वेट था, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड अपडेट आया था एंड्रॉयड क्यू के लिए रेडमी 7A वालों के लिए। इससे पहले जो अपडेट आया था रेडमी 7A वालों के लिए एंड्रॉयड 10 का, वो आया था MIUI 11.0.1.0। और यहाँ पर दोस्तों ये एंड्रॉयड क्यू पर वेट था सेकंड अपडेट। यहाँ पर केवल 190 MB रोम दी गई थी और यहाँ पर आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच और साथ में जो यहाँ पर जो बग्स वगैरह थे एंड्रॉयड क्यू के फर्स्ट अपडेट में उसे फिक्स करने के लिए ये जो अपडेट दिया गया था। तो यहाँ पर जिसके डाउनलोड लिंक वगैरह है वो सभी मेरे पास है, आप डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश भी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की, भाई उससे पहले अपडेट आया था यहाँ पर रेडमी नोट 9 के लिए जो आया था MIUI 12.0.2.0 का। अब दोस्तों ये जो अपडेट है ये फुली रोल आउट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट था ये रेडमी नोट 9 के लिए सेकंड अपडेट आया था MIUI 12 का। इससे पहले जो अपडेट आया था वो आया था MIUI 12.0.1.0 का। यहाँ पर ये एंड्रॉयड क्यू पर ही वेट था। और अगर बात करते हैं यहाँ पर चेंजेस वगैरह की, चेंजेस वगैरह हुए नहीं है इतने कुछ खास। यहाँ पर केवल जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस वगैरह इंप्रूव कर दी गई है और स्टेबिलिटी बढ़ा दी गई है, इसके अलावा यहां पर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला था इस वाले अपडेट में। ये अब फुली रोल आउट हो चुका है, आप डाउनलोड भी करके फ्लैश कर सकते हैं। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की, तो भाई उससे पहले अपडेट आया था यहाँ पर रेडमी 8A के लिए जो आया था MIUI 11.0.1.0 का, जो स्टेबल अपडेट था जो एंड्रॉयड 10 क्यू पर वेट था। और इसमें आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉयड 10 मिल गया था। इसकी डाउनलोड लिंक वगैरह सब कुछ मेरे पास है। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की, तो भाई उससे पहले अपडेट आया था यहाँ पर पोको X2 के लिए जो आया था MIUI 12.0.1.0 का। ये अब फुली रोल आउट हो चुका है, आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। अगर बात करते हैं उससे पहले अपडेट की, तो भाई रेडमी 8 के लिए MIUI 11.0.1.0 का अपडेट आया था, एंड्रॉयड क्यू पर वेट था और ये 1.9 GB के अपडेट थे यहाँ पर एंड्रॉयड 10, और साथ में आपको अगस्त 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच वगैरह मिल गया था। अगर बात करते हैं यहाँ पर उससे पहले अपडेट की, तो रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7S के लिए जो अपडेट आया था यहाँ पर MIUI 11.0.3.0 का, तो ये पब्लिक रिलीज हो चुका है। यहाँ पर आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, ये दोनों ही डिवाइसों में रोम फ्लैश हो जाएगी। इससे पहले ये रेडमी 8 का अपडेट मैं बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पर रेडमी नोट 9 का जो फर्स्ट अपडेट आया था ये वाला जो अपडेट आया था, ठीक है। अब फिलहाल तो दोस्तों यही अपडेट्स वगैरह आए हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में तो भाई यहाँ पर जो MIUI 12.0.1.0 का जो फर्स्ट अपडेट आया है, और इसके बाद में आपको कोई भी सेकंड अपडेट अभी तक भी नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर बग्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल गए थे भाई इस वाले अपडेट में, पता नहीं अब ये कब तक फिक्स करेंगे। और शायद बहुत ही जल्दी अब आपको यहाँ पर सेकंड अपडेट भी मिलने वाला है रेडमी नोट 8 प्रो में। अगर बात करते हैं पोको F1 की, तो यहाँ पर पोको F1 के लिए जो MIUI 12 का 12.0.3.0 का जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट हुआ था 10 अगस्त को, 790 MB की रोम थी और यहाँ पर बाकी कुछ खास फीचर्स नहीं दिए गए थे। और पोको X2 के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिलहाल तो दोस्तों ये इतने ही अपडेट्स आए थे जो लास्ट 1 मंथ के अराउंड आपको देखने को मिले हैं। अब जैसे कोई अन्य अपडेट्स आते हैं MIUI 12 वगैरह के, तो वो मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में यही थी इन्फॉर्मेशन। जितने भी मैंने जो अपडेट बताए हैं उन सभी के डाउनलोड लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप डाउनलोड करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।